नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आठ की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। निजी विश्वविद्यालय में कीड़ों वाला खाना परोसने का मामला सामने आया। खाद्य विभाग की टीम ने मैस के खिलाफ लिया एक्शन, जहां खराब बेसन और तुअर दाल का विभाग ने सैंपल ले लिया है। 10 दिन में सुधार नहीं किया तो संस्था का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के मैस की थाली में मिला था कॉकरोच और छिपकली। तो भोपाल का ये पूरा मामला है, जहां पर निजी विश्वविद्यालय में कीड़ों वाला खाना परोसा गया। और आप ये देखिए कि कॉकरोच और छिपकली मिलने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। यहां पर खाद्य विभाग की टीम ने मैस के खिलाफ एक्शन लिया। खराब बेसन और तुअर दाल का सैंपल भी ले लिया गया है। 10 दिन में सुधार नहीं किया तो संस्था का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के मैस की थाली में मिला था कॉकरोच और छिपकली। और सीधे रुख करेंगे भोपाल से, हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, निजी विश्वविद्यालय का मामला है जिसमें खाने में पहले कॉकरोच और छिपकली मिली है, क्या कुछ एक्शन इस पर? देखिए, ये बेहद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का मामला है भोपाल स्थित, और उसकी जो गर्ल्स हॉस्टल की मैस थी उसका उसमें ये खाने में कॉकरोच और छिपकली निकली थी। हालांकि जब वीडियो जो छात्र हैं उन्होंने वीडियो बनाया था, उसकी तस्वीर भी ली थी, और इसके बाद ये पूरा जो वीडियो था सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने अब जाकर इस पर कार्रवाई की है, सैंपल भी लिए गए हैं। और जो संस्था, दरअसल विश्वविद्यालय ने भी किसी संस्था के लिए मैस का जिम्मा दे रखा था, खुद मैस संचालित नहीं करता है विश्वविद्यालय, और उसी संस्था के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। सुधार अगर नहीं हुआ तो फिर ये मानिए कि उस संस्था के खिलाफ भी बड़ा एक्शन होगा। और ऐसे में लेकिन सबब जरूर, चिंता का सबब जरूर है कि आखिर जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं विश्वविद्यालयों में, हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनकी मैसों में आखिर अगर इस तरह का गुणवत्ता विहीन खाना परोसा जाएगा तो बीमार भी हो सकते हैं, कई दूसरी तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। अगर छिपकली मिली है तो समझिए कि वो खाना कितना विषैला हो चुका होगा। इस लिहाज से ये चिंताजनक भी है। हालांकि खाद्य विभाग ने 10 दिन का समय भी दिया है, क्वालिटी में भी कंट्रोल करना होगा, साथ ही सैंपल भी लिए हैं तुअर दाल के और जो दूसरी खाद्य पदार्थ है उनके भी सैंपल लिए गए हैं, और इसके बाद जल्द इस पर एक्शन का इंतजार आगे भी हो सकता है कि खाद्य विभाग और ले, हो सकता है कि जिस संस्था के ऊपर जिम्मेदारी थी उस संस्था पर कोई और बड़ा एक्शन ले लिया जाए। हालांकि उस संस्था को अभी हटा दिया गया है, अगर ये बड़ी संस्था, खाने की बड़ी संस्था है जो अलग अलग संस्थानों को खाना प्रोवाइड कराती है या फिर मैस चलाती है, अगर खाद्य विभाग संतुष्ट नहीं होता है जवाब से तो फिर उस संस्था का लाइसेंस, फूड लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। हालांकि केवल ये पहला मामला नहीं है रिन्यू, इससे पहले भी अलग अलग संस्थानों से जुड़ी मैसों में इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। लापरवाही का मामला सामने आता रहा है, एक सरकारी विश्वविद्यालय के मैस में भी मामला सामने आया था। माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसकी मैस में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, सवाल उठाए गए थे, और हालांकि फिर वहां जो मामला था आया गया हो गया, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो गड़बड़ियां थी उन्हें दुरुस्त कर लिया गया। तो आशा ये की जानी चाहिए कि यहां भी कम से कम आगे जो खाना है वो दूषित खाना या फिर विषैला खाना बच्चों को नहीं परोसा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रशांत, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सागर से बड़ी खबर है, जहां पर सीरियल किलर को उम्र कैद की सजा, सोते समय 4 चौकीदारों की हत्या करने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीरियल किलर शिव प्रसाद ने 2022 में की थी हत्याएं, 6 दिन में 4 चौकीदारों की हत्या इसने की थी। सागर में 3, भोपाल में 1 चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। शंभू दयाल दुबे की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, अभी 3 मामले कोर्ट में विचाराधीन है। सागर जिला न्यायालय ने यह सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है आरोपी को। और एक बार फिर शुरू करेंगे प्रशांत का, प्रशांत उम्र कैद की सजा सीरियल किलर को सुनाई गई है। जी बिल्कुल, जब इसे पकड़ा गया तो लोग हैरान थे, और जब ये मामले शुरू हुए थे 2022 में एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या हो रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे, पुलिस प्रशासन सख्ते में था कि आखिर ये वारदात कैसे एक के बाद एक हो रही हैं, कैसे चौकीदारों को ही निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जब इस शख्स को पकड़ा गया जो आखिरी
हत्या इसने भोपाल में आकर की थी, उसके बाद इसे पकड़ा गया पुलिस ने। और जब इससे बातचीत की तो ये चाहता था कि ये बड़ा फेमस हो जाए, या ये कहें कि दिमागी तौर पर ये बड़ा फेमस होना चाहता था, और इसी तरह की बातचीत निकलकर सामने आई थी आरोपी। और अब जाकर इसे उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। उन चार चौकीदारों की हत्या का अगर हम कहें, हत्या के बाद उन परिवारों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी जो जो चौकीदारी का काम करते हैं, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए रात भर जागकर काम करते हैं। दरअसल सोते हुए जो चौकीदार हैं उनको मौत के घाट उतारा गया था। कोई जो एटीएम कार्ड पर एटीएम पर चौकीदारी कर रहा था, एक दूसरी साइड पर चौकीदारी कर रहा था, उसे निशाना बनाया था इस शख्स ने। आखिरकार चौकी हत्या के बाद कोई दुश्मनी नहीं, उसके बावजूद इन चौकीदारों को मार दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अन्य खबर की, जहां शहडोल में जमीन का मालिकाना हक को लेकर महिला की दबंगई देखने को मिले। महिला ने दिन दहाड़े सभी के सामने दुकान में आग लगा दी। आग लगाने का लाइव वीडियो सामने आया है। दुकान के अंदर गैस सिलेंडर होने से हड़कंप मच गया। महिला दुकान पर जता रही मालिकाना हक, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। शहडोल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन का मालिकाना हक को लेकर महिला की दबंगई देखने को मिली। महिला ने दिन दहाड़े सभी के सामने दुकान में आग लगा दी, और आग लगाने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जहां दुकान के अंदर गैस सिलेंडर होने से हड़कंप मच गया। महिला दुकान पर अपना मालिकाना हक जता रही है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, मालिकाना हक की लड़ाई में महिला ने दुकान में ही आग लगा दी है, और आग के लपटों में दुकान पूरी तरीके से जल गई। और यहां पर काफी सारा सामान रखा हुआ था, साथ ही गैस सिलेंडर होने की वजह से लोगों में डर का माहौल रहा, हड़कंप मच गया। आग को बुझाने की अपने स्तर पर कोशिश भी की गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि पूरी आग दुकान में फैल गई। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर महिला ने अपना मालिकाना हक जताने के चक्कर में दुकान को ही आग के हवाले कर दिया, और आग की लपटें देखिए कितनी ऊपर उठ रही हैं। और हालांकि पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और शहडोल से संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए। सौरभ, ये क्या पूरा विवाद है, महिला मालिकाना हक जता रही है, अगर उसकी दुकान नहीं है तो क्यों उसने आग लगा दी यहां पर? जी, ये दुकान पिछले कई सालों से वहाँ मौके पर बनी हुई थी, और महिला का यह कहना था कि जिस भूमि पर दुकान बना हुआ है वो उसकी है। महिला का, हालांकि आरोपी महिला का यह भी कहना था, जब कल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसने कई बार राजस्व विभाग में शिकायत भी की थी, लेकिन राजस्व विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला ने खुद आग को, दुकान को आग के हवाले कर दिया। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, सभी आग को रोकने का प्रयास कर रहे थे महिला को, लेकिन दबंग महिला सबको उल्टा जेल में फंसाने की धमकी दे रही थी, इस कारण से किसी ने महिला को रोका भी नहीं। आग को लगाने के बाद महिला खुद पर खड़ी देखती रही, और जो दुकानदार था उसका कहना था कि दुकान के भीतर दो गैस सिलेंडर रखे हुए थे, अगर वे दुकान के पास जा रहे थे उन्हें भय था कहीं गैस सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए, और सबके देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। पुलिस की शिकायत, पुलिस को भी उसने, महिला ने शिकायत 2 मई को इसके पहले की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ब्यौहारी थाने में एएसआई हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण पुलिस का पूरा ध्यान रेत के अवैध खनन को लेकर था, पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कल जब आरोपी महिला दोबारा गाँव अपने पहुंची तो पुलिस पीड़ित फिर से पुलिस के पास पहुंचा, और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां झीरम घाटी हत्याकांड की 11वीं बरसी आज है। कांग्रेस दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देगी। 25 मई 2013 को हुआ था हत्याकांड, 30 कांग्रेस नेताओं की जान गई थी, और इस मामले की जांच लगातार कांग्रेस उठाती आ रही है। झीरम घाटी हत्याकांड की 11वीं बरसी आज है, और 11वीं बरसी में कांग्रेस दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। और साथ ही 25 मई 2013 को हुआ था ये हत्याकांड, झीरम कांड में 30 कांग्रेस नेताओं की जान चली गई थी। एमपीपीएससी के प्रश्नों से जुड़े विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 16 मई को सिंगल बेंच के दिए गए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। गौरतलब है कि एमपीपीएससी 2023 की प्री परीक्षा में प्रेस की स्वतंत्रता के सवाल को सिंगल बेंच ने गलत माना था,
तो वहीं दूसरे सवाल कबड्डी संघ के मुख्यालय के जवाब दिल्ली को गलत और जयपुर को सही उत्तर मानने के निर्देश दिए गए थे और मेरिट लिस्ट को रिवाइज करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी। अगली सुनवाई में कोर्ट अपना अंतरिम फैसला सुना सकती है। न्यूज 18 को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया। पीएम ने कहा, ना खाता हूं ना खाने देता हूं, लेकिन अब जिसने खाया है उससे निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है। हम लोग उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं, न खाता हूं न खाने देता हूं, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। एमपी में मतदान के बाद कांग्रेस मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भोपाल कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में फॉर्म 17C और पेन ड्राइव लाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस दौरान पार्टी के आला नेता कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किस तरह से वोटों की गिनती होगी और इस दौरान किन चीजों पर ध्यान रखना होगा। हर लोकसभा क्षेत्र से 2 से 3 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। एमपी में गोहद से विधायक केशव देसाई के भाई के दर्दनाक मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष उनके गांव श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विधायक के भाई की इलाज में लापरवाही की मौत वाले आरोप पर तंज निराशा जताई। उन्होंने कहा कि विधायक के भाई के साथ इतनी बड़ी लापरवाही तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इस मामले में सीएम से बात करेंगे, साथ ही विधानसभा में मुद्दे को उठाएंगे। जनप्रतिनिधि के विधायक के साथ अगर उसको सुविधाओं के अभाव में अगर अपना जीवन उसको छोड़ना पड़ता है तो एक बड़े दुख की बात है। तो ये हम अभी सीएम से भी बात करूँगा, उन्हें और इस बात को विधानसभा में उठाएंगे कि जो डॉक्टर जहाँ पदस्थ है उसे वहीं पर रात्रि विश्राम करना चाहिए, ना कि मुख्यालय पर आके। तो ये एक आम जनता के लिए तो बड़े दुख की बात है। मैं निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई करेंगे, ये मैं सरकार की तो मांग करूंगा, इस पर कार्रवाई करें। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के पास से 115 इंजेक्शन भी बरामद कर लिए गए। गली में ग्राहक का कर रहे थे इंतजार और इसी दौरान ये एक्शन लिया गया। अंबिकापुर का पूरा मामला जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी के पास से 115 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। गली में ये ग्राहक का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। कोरबा में छेड़खानी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। युवती ने बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों पर लगाया था आरोप, सोशल मीडिया में फोटो भी किया था वायरल। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो खबर कोरबा से है जहां पर छेड़छाड़ के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
युवती ने बैंक मैनेजर सहित तीन लोगों पर आरोप लगाया था। सोशल मीडिया में फोटो भी किया था वायरल। साथ ही सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आगर मालवा में लखुंदर नदी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। मामला नलखेड़ा थाना क्षेत्र के छालड़ा गांव का है, जहां पर शुक्रवार को 7 से 8 साल की उम्र के तीन बच्चे परिवार के बुजुर्ग की अंत्येष्टि के बाद परिजनों के साथ नदी में नहाने गए थे और इसी दौरान तीनों बच्चे डूब गए। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दो बच्चों का शव देर रात बरामद कर लिया गया, जबकि एक बच्ची का शव सुबह के वक्त बरामद किया गया। और संवाददाता रजनीश सेठी जुड़ गए। रजनीश, नदी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है? जी मैं बता दूं कि कल देर शाम लखुंदर नदी में ग्राम छालडा के समीप ये तीनों बच्चे दो बच्चों के शव नदी में से बरामद कर लिए गए थे, जबकि एक बच्ची का उनके शव की जानकारी के लिए देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पूरी रात भर यह रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद में सुबह करीब 5 बजे तीसरी बच्ची का भी शव बरामद किया गया। इस पूरी रात भर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एएसपी निशा रेड्डी, नलखेड़ा थाना प्रभारी श्री उपाध्याय सहित एसडीआरएफ की टीम और नलखेड़ा पुलिस पूरी रात भर रेस्क्यू अभियान चलाती रही और सुबह सुबह इस लड़की का शव बरामद हुआ। तो जानकारी लगी है कि तीनों मासूम बच्चे अपने परिवार में एक बुजुर्ग के अंतिम क्रियाकर्म के कार्यक्रम के बाद में नदी में परिजनों के साथ नहाने पहुंचे थे और इसी दौरान यह हादसा घटित हो गया। देर शाम तक अचानक हुए हादसे की किसी का हादसे पर पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन बाद में बच्चों के नहीं मिलने पर उनकी खोजबीन की गई, तब जाकर नदी में इनके डूबने के जानकारी लगी और दो बच्चों के देर रात में ही शव बरामद कर लिए गए थे, जबकि एक बच्ची की तलाश लगातार जारी रही और पूरी रात चले रेस्क्यू अभियान के बाद में सुबह सुबह इस लड़की का शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पीएम के लिए नलखेड़ा अस्पताल में पहुंचाया है और इस दुखद हादसे से पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रजनीश। तो आप देखिए कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, गमगीन माहौल बना हुआ है और जो तीन मासूम बच्चे हैं ये नहाने गए हुए थे और नहाते समय नदी में ये बच्चे डूबे हैं। दो के शव पहले बरामद कर लिए गए थे, एक का शव बाद में बरामद किया गया है। लखुंदर नदी का ये पूरा मामला है, जहां सुबह एक बच्चे का शव भी बरामद किया जा चुका है। मुरैना से खबर है, जहां पर मनचली युवक की करतूत सामने आई। कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी मारपीट की गई है। बाइक लेकर भाग रहे आरोपी की छात्रा ने चाबी छीन ली। आरोपी बाइक छोड़कर हुआ फरार। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो मुरैना का ये पूरा मामला है, जहां पर मनचली युवक की करतूत देखने को मिली। कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई। बाइक लेकर भाग रहे आरोपी की छात्रा ने चाबी छीन ली। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, क्यों ये मारपीट की गई छात्रा के साथ? देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुराना जो हरिजन थाना था, शिक्षा नगर है, वहाँ का पूरा घटनाक्रम है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो शिक्षा का हब है, यानी कि कोचिंगों का हब है, वो इलाका है। तो कोचिंग से जब छात्रा लौट रही थी तो उसके साथ पहले तो मनचला आता है और बाइक को आगे पीछे करता है और फिर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता है। इतना ही नहीं बल्कि छात्रा विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट भी करता है। उसके बाद जब छात्रा इसका कड़ा विरोध करती है और लोगों की भीड़ को आते हुए देख करके जो आरोपी होता है आदित्य तिवारी, वो मौके से भागने की कोशिश करता है, तो छात्रा हिम्मत दिखा करके बाइक की चाबी छीन लेती है। उसके बाद जो आरोपी होता है बाइक को छोड़ करके फरार हो जाता है, लेकिन छात्रा ने अपने परिजनों के साथ आकर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। फिलहाल जो आरोपी के ठिकाने हैं उन पर पुलिस दबिश दे रही है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो शहर का सबसे पॉश इलाका है। बिल्कुल, और जहां शुक्रिया आपका मैं तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें तेज अंदाज में।
भोपाल में गर्ल्स हॉस्टल